हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू किचन एंड गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ स्पेशल सोप, और इस स्पेशल सोप का नाम है उपटन सोप एंड नीम एंड तुलसी सोप। तो उपटन के बारे में हम लोग तो अपने दादी नानी के ज़माने से ही जानते आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमारे स्किन के वाकई में मैजिकल की तरह काम करता है, और यही उपटन अगर आपको सोप में मिल जाए तो क्या बात है। और ये मतलब जो उपटन सोप होता है फ्रेंड्स, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है। और अभी जो मौसम में चेंजेज हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाते हैं हमारे स्किन में, वो सब इस उपटन सोप से बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और दूसरा सोप जो नीम एंड तुलसी से मैं जो तैयार की हूँ फ्रेंड्स, उसमें भी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करते हैं। और अगर आपके स्किन में किसी भी तरीके का एक्ने वगैरह हो रखा है फ्रेंड्स, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो उन सब चीज़ों को ये तुलसी या नीम सोप बहुत ही अच्छे से ठीक कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस स्पेशल सोप को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उपटन सोप तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बोल ली हूँ, और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेसन। बेसन के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। तो अब हम डालेंगे एक चम्मच चावल का आटा। तो चावल के आटा फ्रेंड्स हमारे स्किन के किसी भी तरह के ब्लेमिशेस को दूर करता है, और बहुत ही बढ़िया ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करता है, और हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करने में भी हेल्प करता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, जो हमारे स्किन के टैन को रिमूव करता है, हमारे जितनी भी दाग धब्बे हमारे स्किन में होते हैं फ्रेंड्स, उन सबको हटाने में हेल्प करता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच ओट्स, नॉर्मल ओट्स में डाल रही हूँ, प्लेन वाली ओट्स का यहाँ पे यूज करना है फ्रेंड्स। तो ये ओट्स जो हमारे स्किन को एक्सप्लोएट करता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्क्रबर की तरह ये काम करता है। अब मैं यहाँ पे ली हूँ एक कच्ची हल्दी। तो फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरी पड़ी होती है फ्रेंड्स, जो कि हमारे स्किन को में किसी भी तरह का एलर्जी वगैरह होता है उन सबको दूर करता है। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिल पा रही है फ्रेंड्स, तो आप हल्दी पाउडर का ही यूज कर ले। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं हल्दी का पेस्ट पहले से ही तैयार करके रख ली थी, और सबसे पहले मैं इसे इन सबको मतलब ड्राई मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हल्दी हमारी यहाँ पर गीली है। तो पहले आप इसे अच्छे से ड्राई मिक्स कर ले, और उसके बाद मैं अब इसमें डालूँगी एक से डेढ़ चम्मच मैं हल्दी का पेस्ट इसमें डालूंगी, क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़्यादा डाल रही हूँ हल्दी का पेस्ट। तो चलिए मैं आप सबको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैं सोप तैयार करने के लिए मैं सोप बेस का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास सोप बेस नहीं है तो आप पीएस सोप का भी यूज कर सकते हैं, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। बस आपको इसे या तो कद्दूकस कर लेना होगा, या फिर नाइफ की मदद से कट कर लेना होगा। अभी मैं आप सबको बताऊंगी क्या करना है। तो यहाँ पे मैं आज सोप बेस का ही यूज करूँगी फ्रेंड्स, और ये सोप बेस आपको ईजली ऑनलाइन या ऑफलाइन बड़ी मतलब क्राफ्ट की शॉप में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अभी कट कर ले रही हूँ, ये देखिए 250 ग्राम के करीब मैं इसे कट कर ली हूँ, और इसी का मैं आज सोप तैयार करूँगी। फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास सोप बेस नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप पीएस सोप का यूज कर सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। ये जो सोप बेस होते हैं ना, वो प्लेन प्रीमेड सोप बेस होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। और अगर आप इसे एक बार परचेज कर लेते हो फ्रेंड्स, तो अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आप अपने खुद से सोप तैयार कर सकते हो। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हो फ्रेंड्स, तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और बाकी सारे प्रोडक्ट की भी लिंक डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैं इसे कटिंग कर ली हूँ। तो चलिए मैं अब आप सबको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन में पानी ली हूँ। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि पानी आपको पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, आधा पानी भरना है आपको बर्तन में। और अब मैं इसे गैस पे रख दी हूँ, गैस ऑन कर ली हूँ। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में आप गैस की फ्लेम हाई रख सकते हैं,
और जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आप गैस की फ्लेम मीडियम कर लें। तो यहाँ पे मैं सोप बेस को इस तरीके का स्टील के बोल में डाल दी हूँ और अब मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो सोप बेस को मेल्ट कर रही हूँ वो डबल बॉयलर मेथड से कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी इसे डायरेक्ट गैस पे मेल्ट ना करें, नहीं तो सोप बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना जा पाए। तो जब तक हमारी सोप मेल्ट होती है तब तक मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि मैं सोप को किस में तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का सिलिकॉन मोल्ड ली हूँ, इससे सोप बहुत ही आसानी से बाहर निकल आते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप कोई सा भी इस तरीके का छोटी डिबिया ले सकते हैं, क्रीम की हो, कोई सा भी हो आपके पास अवेलेबल, छोटी बड़ी आपके अपने अकॉर्डिंग उसमें सोप तैयार कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उसमें कोकोनट ऑयल या फिर वैसलीन अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर ले, जिससे कि वो आसानी से बाहर निकल आए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा सोप बेस अच्छे से मेल्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से हमारा सोप बेस मेल्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत नहीं हुआ है तो वो अभी पानी का हीट से वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गैस ऑफ कर ले और जल्दी सा यहाँ पे जो हम लोगों ने उपटन का जो पाउडर तैयार किया है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये सारे काम आपको बहुत ही जल्दी करने होंगे, नहीं तो सूप की टेंडेंसी होती है जल्दी जमने की, वो जमना स्टार्ट होने लग जाएगा। इसलिए मैं इसे अभी बर्तन के, गर्म पानी के बर्तन के ऊपर में ही रख कर इसमें मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि सूप जल्दी जमना स्टार्ट ना हो पाए। और तो ये देखिए, अच्छे से हमारा उपटन पाउडर इसमें सूप बेस में अच्छे से मिक्स हो चुका है और देखिए इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं है। तो चलिए अब हम इसे जल्दी सा मोल्ड में डाल देते हैं। आज मैं सूप को मोल्ड में भी जमाऊंगी और जो कंटेनर में दिखाई थी उसमें भी मैं एक तैयार करके आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप ये मोल्ड को परचेज करने की सोच रहे हैं तो मैं इसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। थोड़े से रह गए हैं तो मैं इसे भी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दे रही हूँ और अब इसे आप 2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दें, इसे बिल्कुल भी आप टच ना करें। जब 2 घंटे में थोड़े से जम जाएंगे आपके सूप तो आप चाहो तो इसे फ्रिज में या फ्रीजर में रख सकते हो, जिससे कि ये बहुत जल्दी जम जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा सूप तैयार करेंगे। तो दूसरा सूप तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर नीम और तुलसी की कुछ फ्रेश पत्तियाँ ले रखी हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको इसके डंठल से इसकी पत्तियों को निकाल देना होगा, उसके बाद आप इसे 1 से 2 पानी से अच्छे से वॉश कर ले और इसमें बिल्कुल भी पानी ज़्यादा ना छोड़े। और तो आपको इसकी खूबियों के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीम और तुलसी में बहुत ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और नीम हमारे स्किन के जो कील मुहासे होते हैं फ्रेंड्स उसको ठीक करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे स्किन में मॉइस्चर को बनाए रखता है। तो अब मैं इन पत्तियों को देखिए इस तरीके से मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ तोड़कर इस तरीके से, और इसे आप इसका फाइन पेस्ट तैयार कर ले, एकदम बारीक पेस्ट जितना होगा अच्छा रहेगा, ऐसे थोड़ा बहुत रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसका मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसका पेस्ट तैयार कर ली हूँ। अगर कुछ पत्ते बारीक नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स तो आप चाहो तो उसे छान ले, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं फिर से सोप बेस को डबल बॉयलर मेथड से बॉयल कर लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सेम कंटेनर का यूज कर रही हूँ सोप को मेल्ट करने के लिए। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना डाले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमारा सोप अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अभी मैं गैस ऑफ कर लूँगी। अब हम इसमें तैयार नीम और तुलसी की पत्तियों का जो पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे और डालते हुए इस तरीके से मिक्स करते रहें। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी ये सारा प्रोसेस करना है आपको। अब हम इसमें लास्ट में एक विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे, ये भी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये हमारे स्किन में ग्लो लाने में हेल्प करता है और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें भी। तो मैं इसमें डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ और ये काम सारे आपको बहुत ही फास्ट करना होगा फ्रेंड्स, नहीं तो सूप जमना स्टार्ट हो जाएगा।
तो जल्दी से मैं इसे मोल्ड में डाल देती हूँ। एक मोल्ड मेरा खाली पड़ा हुआ था तो इसमें मैं इसे डाल दे रही हूँ। तो ये 2 घंटे आप इसे इसी तरीके से छोड़ दें, उसके बाद आप डीप फ्रीजर में इसे रख दें, बहुत ही जल्दी ये जमकर रेडी हो जाता है। सो तो अब मैं आप सबसे 3 घंटे बाद का रिजल्ट शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सूप बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दी थी। अभी देखिए मैं इसे डीमोल्ड करके भी दिखाऊंगी। देखिए वाह कितना बढ़िया हमारा सूप बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ही होममेड सूप है फ्रेंड्स, और इसमें किसी भी तरह का मैंने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, ना ही मैं कलर डाली हूँ। एकदम प्योर नेचुरल कलर है इसका फ्रेंड्स। देखिए नीम तुलसी का भी सूप, कोई देखकर इसे बोल सकता है फ्रेंड्स कि ये होममेड सूप है। बहुत ही बढ़िया रहता है फ्रेंड्स हमारे स्किन के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स इस होममेड सूप की कि इसे बच्चे बड़े दोनों ही लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देर किस बात की है, जल्दी से इस होममेड सूप को अपने घर में बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो अब मैं इस कंटेनर वाले सूप को भी देखिए निकाल कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से हल्का सा स्ट्रेच करें और थोड़ा सा टैप करें, बहुत ही आसानी से निकल जाता है बाहर। तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में भी इस तरीके से बना सकते हो सूप को। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की हमारी इस सूप की रेसिपी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।